डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला फुटबॉल लीग का आयोजन स्थानीय रीजनल स्टेडियम में किया गया, जिसमें मंगलवार को दो मैच खेले गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद राज्यसभा जयप्रकाश निषाद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन मैच में स्वराष्ट्र क्लब नवा पार ने बेहतरीन खेल के बदौलत संदीप क्लब पीपीगंज को 4-1 से पराजित किया। वहीं दूसरे मैच में सेंट जोसेफ स्कूल खोराबार ने सीआईसी क्लब पिपराइज को 2-0 से हराया। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा, मुख्य अतिथि के द्वारा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल के तत्वाधान में दीप प्रज्वलन करते हुए माननीय सांसद भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन। तो भैया फटकार से मोहम्मद नसीम साहब खिलाड़ियों के ऑफिशियल हंसता हुआ फोटो होना चाहिए, कोई हल्ला नहीं हो रहा। कृपया 5 मिनट के लिए इन वरिष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान माननीय सांसद जी के द्वारा होता हुआ। निशार अहमद, हॉकी फुटबॉल एथलेटिक के वेटरन खिलाड़ी शम्भू जी, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग का उद्घाटन किया। आज निसार अहमद चंबुराज जी, राम दुलाल जी, श्रीवास्तव जी, कपिल मुनि यादव जी, सूरज नेगी और ये खोराबार का अटैक बनता हुआ दाहिने छोर से कसम कस होता हुआ, इसी बीच में खोराबार के खिलाड़ियों ने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया सकता है, लेकिन गोलकीपर आगे बढ़कर गेंद को गिदर कर लिया, गेंद को संभाला, बेहतरीन पैरेलल पास दिया है, दाहिने छोर पर अपने साथी खिलाड़ी को बीट करके वो पास कर दिया, बेहतरीन है। और ये आगे ये डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में डिस्ट्रिक्ट लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे जनपद की 30 से अधिक टीमों ने भाग लिया, लेकिन कोरोना काल की वजह से कुछ टीमों को क्षमा सहित उनसे हम लोगों ने क्षमा मांगा कि उनको आगे मौका दिया जाएगा। वर्तमान में इसमें 16 टीमों को प्रतिभाग कराया जा रहा है और इसके बाद इन्हीं में से सिलेक्शन होगा जो प्रदेश के में जाके खेलेंगे टीमें। और आज के इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमान जयप्रकाश निषाद जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन उनका आभार व्यक्त करती है। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी AK पांडे श्रीमान जी ने फील्ड उपलब्ध कराया खिलाड़ियों को, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है और इस नाते भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर पूरे देश के सभी लोगों को, खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे अच्छी बात है कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज वो है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जो एक राष्ट्रवादी सोच के साथ देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। उसी में एक लक्ष्य यह भी है कि देश के का युवा नौजवान स्वस्थ हो, बलवान हो, खेल के माध्यम से वो चरित्रवान भारत का निर्माण करे। इस उद्देश्य से आज मैं सभी जिन लोगों ने भी इसमें भाग लिया, खिलाड़ियों के रेफरी अधिकारी जो भी लोग उपस्थित हुए और खेल प्रेमियों को जो इतनी बड़ी संख्या में इतने कम नोटिस पर आए, एक सप्ताह तक चलने वाला है, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से ये
आज मैच खेला जा रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो पहले के यहाँ के चर्चित खिलाड़ी रहे हैं उन लोगों को आज मेडल बैच लगा करके मेडल दे करके उनको भी सम्मानित करने का काम डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ने किया है। उसके उपरांत मैं आज यहाँ पर मैच भी हो रहा है और ये फुटबॉल आप जानते हैं कि बहुत पुराना खेल है, इसे आज ये विलुप्त ना हो इसलिए इस देश और प्रदेश की सरकार चाहती है कि सारे खेल जगत में ज़्यादा बढ़ावा देने का काम निरंतर कर रही है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी खेलों को प्रोत्साहन दे करके उनको अच्छी तरह से उनको बढ़ावा दे करके आने वाले युवाओं में एक जोश खरोश पैदा करके उनको अनेक क्षेत्रों में खेल के माध्यम से रोजी रोजगार भी उत्पन्न करने का काम करते हैं और हौसला भी इससे अफजाई होता है और प्रतिभा का पता चलता है कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में ज़िले में गोरखपुर में कौन ऐसा प्रतिभा है जो खेल में ज़्यादा रुचि रखता है और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करता है। मैं आज डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन को ये खेल कराने के उपलक्ष्य में उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे पार्टी का स्थापना दिवस भी है, मैं इस अवसर पर अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और जिन लोगों ने इतनी अच्छी सोच पैदा की देश के लिए, जो निरंतर एक अच्छी सरकार चल रही है, जन जन के बारे में अच्छा सोचने का काम कर रही है, मैं सभी को अपनी ओर से आज इस अवसर पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद।